नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के सीएसटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं इसी शहर से सटे ठाणे शहर की बड़ी खबर से, जहां राज्य के एक अफसर के बेटे पर अपनी प्रेमिका को कुचलने का आरोप लगा। शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर जब पोस्ट किया, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, गाड़ी को भी जब्त किया गया, लेकिन अदालत में पेशी के बाद जुडिशियल कस्टडी मिली और जमानत मिल गई। प्रिया सिंह जो कि शिकायतकर्ता इस मामले में इन्फ्लुएंसर है, उनके वकील का कहना है कि बेलेबल धाराएं लगाई गई थी, पुलिस की कार्रवाई दबाव में रही, इस वजह से वो जमानत पर बाहर आ पाए हैं। ऐसे में न्याय के लिए हाईकोर्ट का रास्ता वो अपनाएंगे। साथ ही मांग है कि हत्या की कोशिश की धारा लगनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। मुझे ड्रॉप करने के लिए हॉस्पिटल में उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी था, मुझे गाड़ी में उन्होंने भी डाला था। प्रिया ने अपने इस हाल के लिए जिन पर संगीन आरोप लगाए, उन्हें जमानत मिल गई है। मुंबई से सटे ठाणे की इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह को एसयूवी से कुचलने के मामले में बॉयफ्रेंड और मुख्य आरोपी अश्वजीत सिंह समेत 3 आरोपियों को 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली। मामले में एसआईटी गठन के 24 घंटे के भीतर ही इनकी गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट में पेश किए गए और फिर न्यायिक हिरासत में भेजे गए। प्रिया के वकील कहते हैं कि पुलिस ने दबाव में जमानती धाराएं लगाई, अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे। और जो चाहिए वो सेक्शन नहीं लगाया, उन्होंने 307 376 लगाना चाहिए था, वो भी नहीं लगाया। सर पुलिस ने और हमारी फिरियाद भी उन्होंने ढंग से ली नहीं है। इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और इसलिए उन्होंने सब अवेलेबल सेक्शन लगाया है, और अभी अवेलेबल सेक्शन लगा के वो कस्टडी भी मांग रहे हैं, विच इज़ वेरी फनी। जब अवेलेबल है तो तुम पुलिस कस्टडी मांग ही नहीं सकते। अभी हम हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। 11 दिसंबर की इस घटना के तूल पकड़ने पर ठाणे पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और इस काली लैंड रोवर को भी जब्त किया गया। प्रिया कहती है कि पुलिस शुरुआत से ही दबाव में दिखती रही है, उनके सोशल मीडिया पोस्ट से एक्टिव हुई, आरोप लगाया कि पुलिस उनका सिग्नेचर लेने भी पहुंची थी, साथ ही कहा कि मुख्य आरोपी के कुछ लोग अस्पताल के चक्कर काट रहे थे। रात में कासरवडौली पुलिस स्टेशन से 2 कॉप्स आए थे एंड उन्होंने आए, मैंने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि हम आपका सिर्फ बयान लेने आए हैं, एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाल रहा है, कोई आपको धमकी वमकी तो नहीं दे रहा है। उसके बाद उन्होंने सब कुछ लिखा एंड दे आस्क मी टू साइन द पेपर। मैंने कहा मैं अभी कुछ भी साइन नहीं करूंगी, बिकॉज मेरी लॉयर भी नहीं है और जब मेरी फैमिली मेम्बर का भी कोई नहीं और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं अभी साइन नहीं करूंगी कुछ भी। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया साइन करने के लिए, वो रुके थे 10 मिनट तक, मेरे से आर्ग्यूमेंट किया कि आप साइन कर लो, इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है ना। मैंने उनको बोला कि दिस इज नॉट एक्ट, बोलती है एक्सीडेंट है ना, तो अभी कैसे 307 लगेगा। मैंने बोला दिस इज, हाउ कैन यू से दिस, दिस इज एक्सीडेंट, मैं 7 दिन से पड़ी हूँ, मीडिया एक्सीडेंट होता तो मीडिया क्यों होती और पुलिस वाले खुद क्यों मुझे बोलते। मामले में मुख्य आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ महाराष्ट्र के एक उच्च पदस्थ अधिकारी के बेटे होने के साथ ही ठाणे बीजेपी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है। प्रिया के मुताबिक दोनों करीब 5 साल रिश्ते में रहे और 11 दिसंबर को हुई बगझग इतनी बढ़ गई कि अश्वजीत के कहने पर ड्राइवर ने प्रिया पर गाड़ी चढ़ा दी। प्रिया सिंह की मांग है कि अश्वजीत के खिलाफ आईपीसी 307 यानी हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हो। ठाणे से अनिल शुक्ला के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक टकराव इतना बढ़ गया कि एक ही दिन में 78 सांसद निलंबित कर दिए गए। 33 लोकसभा के और 45 राज्यसभा के विपक्ष से आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है। दरअसल विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद की सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्री बयान दें। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष गृह मंत्री के बयान की मांग करता रहा, जबकि लोकसभा अध्यक्ष दलील देते रहे कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं, ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटना नहीं है। मगर विपक्ष अपनी मांग पर टिका रहा, विपक्षी सांसदों ने वेल में आके नारे लगाए, 3 सदस्य तो सभापति के चेयर के पास गए, बस फिर क्या, 33 सदस्य सस्पेंड कर दिए गए। इनमें से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, टीएमसी के 9, डीएमके के 9 और अन्य विपक्षी दलों के 4 सांसद शामिल हैं। 3 सांसदों का मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया। हम सब ने मिलकर के तय किया था कि हम इस प्रकार से प्लेकार्ड नहीं लाएंगे, नारे नहीं लगाएंगे, वेल में नहीं जाएंगे और आप कृपया करके अपनी सीट पर जाइए, कोऑपरेट कीजिए, क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। परंतु जैसा सबने देखा, उन्होंने अनुरोध स्वीकार नहीं किया, हाउस को स्थगित करना पड़ा, क्वेश्चन आवर नहीं चला। कोई ऐसा काम नहीं किया हूँ कि मैं कोई
पर्ची फाड़ के बिग रहा हूँ, चाहे तख्ते लिए हुए था, सब में काम नहीं। अध्यक्ष जी इस चीज को नहीं समझे, वो एक तरफा होके पार्टी, अब वो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बल्कि भाजपा के अध्यक्ष हो गए। तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गई है सरकार जी। इसमें हर जगह क्या था, आसमान तो नहीं टूट पड़ते, पहाड़ तो नहीं टूट पड़ता अगर सदन में आके एक बयान पेश करते तो आपको अभी भी मांग पड़ रहे हैं कि अमित शाह को बिल्कुल देना होगा। बिल्कुल। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भारी हंगामा हुआ। दोनों सदनों में एक ही मुद्दे पर विपक्ष का विरोध जारी रहा। राज्यसभा में तो 45 विपक्षी सदस्यों को सभापति जगदीश धनखड़ ने पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इनमें से 11 सांसदों का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। दिस हाउस हैविंग टेकन अ वेरी सीरियस नोट ऑफ अनबिकमिंग कॉन्डक्ट डिसऑर्डरली कॉन्डक्ट ऑफ बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द काउंसिल फॉर द रिमेंडर ऑफ दिस सेशन। मैं समझता हूँ ये उनकी प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी थी, वो चाहते ही नहीं थे कि हाउस अच्छे तरीके से चले। गृह मंत्री जी जिनका काम है देश को महफूज रखना, वो सदन में आए, दोनों सदनों में आधिकारिक बयान दें, वो नहीं आ रहे और उसके बदले इस तरह की चीजें हो रही। दोनों ही सदनों में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ढाल बना के रेजोल्यूशन पास कराए जा रहे हैं। इससे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 और राज्यसभा में 1 सांसद को निलंबित किया गया था। विपक्षी सांसदों का कहना है कि सांसदों का निलंबन लोकतंत्र पर हमला है। वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि संसद में नारेबाजी और तख्तियां लेकर आना सही नहीं है। संसद के दोनों सदनों में अब 92 सांसद निलंबित हो गए हैं, इसलिए कि उस संसद की सुरक्षा पर चर्चा और गृह मंत्री से बयान देने की मांग कर रहे थे। यह संसदीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। यह सबको देखना होगा कि संवाद बना रहे और संसद की गरिमा भी बनी रहे। नई दिल्ली में हिमांशु शेखर और अशोक महाले के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए डोनेट फॉर देश नाम से अभियान शुरू किया है। कांग्रेस की इस पहल पर बीजेपी ने तीखा निशाना साधा है, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ऑनलाइन चंदा मांग रही है। 28 दिसंबर को अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले इस अभियान के जरिए 18 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों से 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुना राशि ऑनलाइन देने की अपील कर रही है। डोनेट फॉर देश नाम के ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को दिल्ली में लॉन्च किया। पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, क्योंकि सिर्फ अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज को हमको मानना पड़ता है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ज्यादातर चुनावी बॉन्ड हासिल कर रही है क्योंकि यह योजना उसके हिसाब से तैयार की गई, जबकि बीजेपी ने इस अभियान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि यह सार्वजनिक धन को हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध बनाने का एक नया प्रयास है। कांग्रेस में माँ बेटा जीजा के पास इतनी कैश संपत्ति है, उस संपत्ति को कैसे वाइट किया जाए, तो वही अपना पैसा देकर और उसको व्हाइट में वापस लेंगे और क्या है। कांग्रेस माने घोटालों वाली पार्टी है, तो वो कुल मिलाकर ये भी इनका एक नया घोटाला होगा, देखिएगा। लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के भीतर तकनीकी खामी की वजह से कांग्रेस का डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान donatefordesh.org का लिंक क्लिक करने पर बीजेपी के डोनेशन पेज पर जाता रहा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शिनाते ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, निरंकुश सत्ता, सारी संस्थाएं, सारे संसाधन, सबसे ज्यादा पैसा पास में होने के बावजूद बीजेपी इतना डरती क्यों है। कांग्रेस ने डोनेशन कैंपेन शुरू किया तो न सिर्फ घबरा गए बल्कि इनके तंत्र ने फर्जी डोमेन बनाकर भ्रमित करना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस के डोनेट फॉर देश में आप सिर्फ donateinc.in के द्वारा ही डोनेट कर सकते हैं। वैसे हमारी नकल करने के लिए धन्यवाद, आपका डर देखकर अच्छा लगा।
कांग्रेस को क्राउड फंडिंग से कितना राजनीतिक फायदा मिलेगा ये एक अलग सवाल है, लेकिन दुनिया भर में लोकतंत्र को बड़ी पूंजी के बढ़ते महत्व से कैसे बचाया जाए, इस महत्वपूर्ण सवाल पर गंभीरता से विचार हो रहा है और इस संदर्भ में क्राउड फंडिंग को एक महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है। संसद भवन से अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक की बेलगावी में एक महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने सामूहिक कायरता करार दिया है, क्योंकि एक महिला के साथ ही हरकत होती रही और गांव वाले तमाशबीन बने रहे। हालांकि अब राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है और एक स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। देखिए निहाल किदवई की कर्नाटक से रिपोर्ट। बेलगावी में 11 दिसंबर को 42 साल की एक महिला को निर्वस्त्र करके बांध कर पिटाई करने का आरोप इन महिलाओं पर है। ये उस लड़की की मां और दूसरी रिश्तेदार है जो पीड़ित के बेटे के साथ भाग गई थी। कर्नाटका हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने सारे मूक दर्शक लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ये सामूहिक कायरता है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। पुलिस को समझना चाहिए कि ये ब्रिटिश राज नहीं है। अदालत ने एक कविता की उस पंक्ति को भी दोहराया जिसमें कहा गया है कि सुनो द्रौपदी हथियार उठाओ, अब गोविंदा रक्षा करने नहीं आएंगे। ये मामला सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी ने तथ्यों की जांच के लिए एक टीम भेजी। पार्टी का आरोप है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो सभी कांग्रेस से जुड़े हैं। ये कांग्रेस लीडर्स की फॉलोअर्स है पूरा। उधर कांग्रेस कोई अभी मंत्री जी है, मंत्री का फॉलोअर्स है। कोई अटैक किया वो मंत्री जी के फॉलोअर्स है, उसके वास्ते उनको उनको मदद मिला सरकार से, उसके वास्ते वो इस पे वो लड़ा, नहीं तो वो नहीं लड़ता था। राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति की पीड़ित महिला को 2 एकड़ जमीन दी है। इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई है। ब्यूरो रिकॉर्ड डेटा ले लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि किसके शासन में कितने अपराध हुए हैं। इस मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, हम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और ये शिक्षा कोडसलिके एल्ला प्रयत्न मारते हैं। इस मामले में कुल 13 गिरफ्तारियां हुई है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने परिवार वालों के अलावा किसी और के पीड़ित महिला से मिलने जुलने पर रोक लगा दी है, ताकि इस मामले पर हो रही राजनीति में बेवजह उसे परेशान न किया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया और एडवोकेट जनरल को निर्देश दिए कि वो लॉ कमीशन से एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करने को कहें जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में कारगर साबित हो। साथ ही इसमें दंड का भी प्रावधान हो, क्योंकि आम तौर पर देखा गया है कि लोग ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तमिलनाडु में बीते 30 घंटों में लगातार तेज बारिश हो रही है, बाढ़ ने तबाही मचाई है, रेलवे स्टेशन सड़क हर जगह पानी ही पानी है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दक्षिणी तमिलनाडु में विराट भयावह बाढ़, कई दिन की भारी बारिश के बाद ये नौबत आई है। 500 से ज्यादा मुसाफिर चेन्नई जाने वाली ट्रेन में फंस गए। ये ट्रेन तूतीकोरिन के श्री वैकुंठम रेलवे स्टेशन पर बाढ़ में अटक गई। बाढ़ के साथ रेल की पटरियां बह गई हैं, स्टेशन तक जाने वाली सड़क भी कट चुकी है। बीते 12 घंटों से यही हालात बने हुए हैं। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, हम रेलवे से मदद के लिए लगातार कह रहे हैं। दक्षिणी तमिलनाडु में आम जीवन तहस नहस हो चुका है। इलाके में 24 घंटे में 94 सेंटीमीटर तक बारिश हो गई, इसी का नतीजा है बाढ़। सबसे ज्यादा मार तूतीकोरिन पर पड़ी है, सड़क, अस्पताल और यहाँ की कलेक्ट्रेट भी पानी में डूब गई है। पापनाशम जलाशय से बहुत बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से ताम्राप रानी नदी उफान पर है।
ये घर डूब गया और परिवार बगल के मकान से बेबस देखता रहा। एक शख्स की मौत हो चुकी है, 7,000 से ज्यादा को सुरक्षित निकाला गया है। रेल और विमान सेवाएं रुकी हुई हैं। राष्ट्रीय और राज्य की बचाव टीमों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्रीय राहत के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा है। चेन्नई से सैम डैनियल की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। उत्तराखंड पुलिस जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास अपने थाने और चौकियों को स्थापित करने जा रही है। इसके लिए 5 जिलों को चिन्हित किया गया है। दरअसल बॉर्डर क्षेत्र से आंतरिक अपराध को खत्म करने, नशे के कारोबार को मिटाने और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए पुलिस की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। नेपाल और चीन से लगती उत्तराखंड की सीमाओं पर SSB और IDPP के जवान हमेशा सतर्क रहते हैं। अब राज्य पुलिस भी इन इलाकों में अपनी चौकियां और थाने बनाने जा रही है। उत्तराखंड की जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सीमाएं जो है हमारी नेपाल से लगती है, कुछ चाइना तिब्बत बॉर्डर से भी लगती हुई है। तो खासकर हमारे जो गढ़वाल के चमोली उत्तरकाशी जनपद और कुमाऊँ के जो है चंपावत पिथौरागढ़ जनपद जो है, इसकी कई बड़ी सीमा जो है हमारी नेपाल और तिब्बत से लगी हुई है। तो इसमें जो है नए थाना चौकियां जो है हम लोग इसमें प्रस्तावित कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस योजना के तहत गुंजी, धारचूला, मुनस्यारी, पंचेश्वर, टनकपुर, हर्षिल, बद्रीनाथ और थराली में थाना बनेंगे, जबकि छियालेक, दुकतू, मिलम, झनकैया, मेलाघाट, पंचेश्वर घाट, चूका, भोजवासा, निलांग, माणा और वाण में चौकियां बनाई जाएंगी। दरअसल इनका मकसद सीमा क्षेत्र से होने वाले अपराधों को रोकना है। हमारी आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ जो है हमारी बॉर्डर पे भी काफ़ी संवेदनशील होते हैं, तो बॉर्डर से जो है कई बार जो है ऐसे इश्यूज जो है सेंसिटिव इश्यूज आते हैं, जैसे ट्रैफिकिंग और बाकी NDPS और तमाम। तो पुलिस हमेशा सतर्क रहती है, लेकिन चौकी प्रस्तावित होने से हमको मैन पावर, इक्विपमेंट, बाकी सारी चीज़ें मिलती है। खास बात यह है कि इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के पास के इलाकों को अवैध धंधों से मुक्त करने के साथ आंतरिक सुरक्षा भी की जा सकेगी।